नंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में जब नवद्वीपवासी श्रीमन महाप्रभु से मिलने आए उनके दक्षिण भारत की यात्रा के बाद, तो किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु उनसे मिलते हैं और प्रत्येक भक्त की श्रीमन महाप्रभु जैसे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और एक एक भक्त को श्रीमन महाप्रभु जानते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अनोखा गुण है जो हम सब जितने भी गौर पार्षद तो नहीं है मगर हम लोग सब गौर पार्षद बनने का सामर्थ्य रखते हैं और जो भी व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा वो गौर पार्षद हो जाएगा। तो गौर पार्षद से कम भी नहीं समझना चाहिए गौर भक्तों को क्योंकि प्रत्येक भक्त में ये सामर्थ्य है कि वो गौर पार्षद बन सके और ख़ास करके गौर श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा है कि वो सबको अपना पार्षद बनाएंगे ही, चाहे इस जन्म में नहीं चाहे अगले जन्म में, ये हमारे ऊपर है हमारी कितनी गति रहती है। पर जब गौर चरणों का आश्रय लिया है तो गौर पार्षद बनना भी निश्चित है, पर हमारी गति पे निर्भर करता है। जैसे हमने पिछले एक दो सत्रों में चर्चा करी थी कि भगवान का तो हमसे संबंध है संपूर्ण, लेकिन हमारा वो संबंध मानने में अभी देरी हो रही है, हम उस संबंध को मान नहीं रहे। तो श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और उन्हें बोल रहे हैं निरंतर करी चारी वेद अध्ययन द्विज न्यासी हैते तुमी परम पावन। आप जो ये निरंतर हरि नाम कर रहे हो इसके द्वारा मानो चारों वेद का अध्ययन आपसे निरंतर हो रहा है और कोई भी अगर द्विज न्यासी मतलब अगर कोई सन्यासी है कोई ब्राह्मण है तो उससे भी आप तुम्ही परम पावन, तो उससे भी परम पावन उसको भी पावन करने वाला आपका चरित्र है। हरिदास ठाकुर जी अपने आप को शूद्र जानते हैं और मंदिर के समीप भी नहीं जाना चाहते और आजीवन जो मंदिर का परिसर है उसके भीतर उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया क्योंकि हृदय से अपने आप को शूद्र मानते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी को भी पावन करने वाले हो और आपके द्वारा ऐसा आपका चरित्र है जो आप हर निरंतर हरिनाम करते रहते हो, आपके द्वारा हर समय मानो चारों वेदों का अध्ययन हो रहा है। चारों वेदों का अध्ययन केवल ब्रह्मा जी जो हैं उनके द्वारा होता है। ब्रह्मा जी जिस हंस पे चलते हैं बोलते हैं उस हंस से भी वेदों की ध्वनि निकल रही है, जो उनका वाहन है ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी का वाहन हंस जो है उससे भी वेदों की ध्वनि निकल रही है। तो ऐसा भगवान श्री हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं कि आप जो नाम ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हरिदास ठाकुर को ही बोल रहे हैं, ये बात उन सबके लिए है जो निरंतर नाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम निरंतर नाम करने का प्रण लेते हैं कि हम नाम लेंगे, मान लीजिए किसी ने ये नाम महिमा सुनी और उसने प्रण लिया कि मैं आज से नाम जप किया करूँगा, तो भगवान बोलते अब मैं उसके पास जाऊँगा। अभी तक जीव कोई भी साधना करे जीव भगवान के पास जाने को ललायित होता है, जब वो नाम जप भी करता है तो वो कोई भी साधक हो वो साधक भगवान के पास जाना चाहता है। पर जब साधक ये प्रण लेता है कि अब मैं निरंतर नाम जप करूँगा, तो जैसे श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं और उनके पास गए, तो ऐसा बोला जाता है कि फिर भगवान उसके पास आने को ललायित होते हैं कि मैं ऐसे भक्त के पास जाना चाहता हूँ। ये कोई साधारण साधना नहीं है, नाम जप जो हम कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। साधक अगर नाम महिमा
को सुनता है, और जैसे मैंने अभी बताया कि वो निरंतर करने का अभी सोचता ही है, तो बोलते उसके सारे पाप जो है वो कांपने लगते हैं। आपके पूर्व जन्मों के जितने पाप हैं जो आके लगने हैं, वो पाप कांपने लगते हैं कि अब इस व्यक्ति के भीतर भी हम नहीं जा सकते, इस व्यक्ति के पास भी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अब इसने नाम जप करने का प्रण ले लिया है। तो नाम जप अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी केवल उसने सोचा है कि मैं नाम जप करूँगा, उसी से जो हमारे पाप है वो कांपने लगे। और जो मोह के बंधन में हम सारे बंधे हुए हैं, ये मोह का बंधन काट पाना अति कठिन है। मोह क्या है? जो हम अपने परिवार से, पुत्र से, पुत्री से, घर से, इन सब से जो हम, हमारी जो आसक्ति है उसको मोह बोला जाता है। अपने सगे संबंधियों से, अपने देह से जो हमारा संबंध है उसको मोह बोला जाता है। हम कुछ भी कर लें, कोई भी साधना कर लें, पर इस मोह को काटना सबसे अत्यधिक कठिन है। जैसे हम सब अपने अपने आप को देखें, जब से हमने ये भजन साधन प्रारंभ किया है, वो प्रारंभिक अवस्था में हमने ये बात सुनी थी कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, यहीं से प्रारंभ हुआ था भजन का, इस बात से, इस रियलाइजेशन से, नहीं इस बात से। लेकिन आज तक भी वो बात रियलाइज नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति 15 साल से, 20 साल से या 25 साल पुराना भी जुड़ा हुआ है, तो 25 साल पहले उसने ये बात सुनी थी और 25 साल से निरंतर वो ये बात सुन रहा है, लेकिन आज भी अगर हम कहें कि नहीं, मैं ये मान गया हूँ कि मैं ये देह नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम माने नहीं हैं। ये क्या है? ये मोह है। हम कितना भी प्रयास करें, हम कहें कि अब मेरी अपने बच्चों से, अपने परिवार से अब मेरी कोई आसक्ति नहीं रही भजन करने पे, ऐसा भी नहीं हुआ। हम कितना भी भजन कर रहे हैं लेकिन हम उनकी सुख सुविधा तो मानते ही हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब सही रहे। तो ये मोह हमारा जो है ये कम नहीं हुआ, ये अभी भी है। चाहे हम संसार से पैसा ना मांगे, हम ये ना मांगे कि भाई हमें बहुत यश मिले, धन मिले, इत्यादि इत्यादि चीज़ें ना मांगे, लेकिन तब भी अपने और अपने परिवार के लिए तो सुख चाहते ही हैं कि शरीर का सुख बना रहे और परिवार के जितने वासी हैं इन सब का सुख बना रहे। तो बोले ये मोह जो है ये कोई नहीं, कोई साधन इस मोह को नहीं काट पाता। और गोपियाँ जो हैं वो भगवान की अति प्रिय इसीलिए हो गई क्योंकि उन्होंने इस मोह बंधन को काट दिया। तभी जब गोपियाँ वहाँ पे पहुँची रासलीला में, तो भगवान ने कहा मैं आपका तो ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि ये मोह जो आप काट के आई हो, ये जो आपको अब अपने पुत्र पति गृह आदि की कोई परवाह नहीं है, वो सब छोड़ के आप मेरे पास आ गई हो, ये ऐसे भक्त का मैं ऋणी हो जाता हूँ। भगवान ने ये बात बोली ना श्रीमद् भागवतम में कि मैं आपका ऋणी हूँ। क्यों? क्योंकि आप ये गृह श्रृंखला छोड़ के आए पाई हो, ये कोई छोड़ नहीं पाता है। पर निरंतर नाम जप करने वाले के लिए बोला जाता है कि जब वो निरंतर नाम जप करना प्रारंभ ही करता है तो मोह भी जो है वो कांपने लगता है और उसके सारे मोह बंधन धीरे धीरे छूट जाते हैं। उसे वैराग्य लाने के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वैराग्य उसके भीतर स्वतः ही आ जाता है जब वो नाम जप करता है। चित्रगुप्त जो हैं वो फटाफट से बोलते हैं, जैसे ही पता लगता है कि इस व्यक्ति ने अब नाम करना प्रारंभ कर दिया है और इसने ये सोचा है ये निरंतर नाम करेगा, तो बोलते वो उसके कर्मों की लेखनी उठाते हैं और सारे उसके जितने भी पिछले कर्म हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये सत्य घटनाएं हैं। ये सत्य में ऐसा होता है कि जैसे ही कोई नाम जप करने का, निरंतर नाम जप करने का सोचता है और उसका अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है, अभ्यास में इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रारंभ में शुद्ध नाम तो नहीं हो सकता, तो नाम करने का, निरंतर नाम करने और निरंतर निकले ऐसी भी आगे गारंटी नहीं है जैसे ही व्यक्ति सोचता है, तो अभ्यास है पहले। निरंतर नाम करने का अभ्यास जैसे ही वो प्रारंभ करता है, वैसे ही बोलते चित्रगुप्त जो है उसकी लेखनी उठा के सारे उसके पिछले कर्मों के पन्ने जल्दी से मिटाने लगते हैं। क्यों मिटाने लगते हैं? बोलते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर यमराज को पता लग गया, उनके ऊपर भी तो यमराज है, धर्मराज जो है, अगर यमराज को पता लग गया कि ये नाम जापक की लेखनी अभी भी मेरे पास है, तो वो बोलते वो मुझे सजा देंगे, मैं सजा का अधिकारी हो जाऊंगा।
तो मुझे सजा ना मिले, वो अपनी सजा से बचने के लिए फटाफट उसको हटाते कि इसका रिकॉर्ड हटाओ, अगर ये इसका रिकॉर्ड मेरे पास रह गया तो यमराज मुझे सजा देंगे, इसका रिकॉर्ड वो देखेंगे। ऐसा बोला जाता है कि निरंतर नाम जप करने वाले साधक को रोज सुबह, जो निरंतर नाम जप करते हैं ऐसे साधकों की रोज सुबह ब्रह्मा जी उठ के आरती का थाल लेके उनकी आरती उतारा करते हैं। क्यों आरती उतारा करते हैं? बोले कि अब ये जो है, अब इसकी श्रेणी मुझसे ऊपर हो गई है, अब ये मेरे लोक को लांग के भगवत धाम प्रवेश कर जाएगा, तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी उसकी आरती उतारते हैं कि मेरे से ऊपर की श्रेणी है इस साधक की। ब्रह्मा जी को छोटा ना समझना, अगर ये हम इस पे चर्चा करें कि कैसे ब्रह्मा बना जाता है तो आप बोलोगे इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता कि जीवन में कोई ब्रह्मा बन जाए। इसीलिए जीव कोटि ब्रह्मा भी होता है और ईश्वर कोटि ब्रह्मा भी होते हैं। तो जनरली जीव ब्रह्मा बन सकता है पर जीव ब्रह्मा बन नहीं पाता, इसीलिए एक ईश्वर कोटि ब्रह्मा होते हैं कि ईश्वर खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। ईश्वर खुद ब्रह्मा इसलिए, ईश्वर खुद शिव बन जाते हैं क्योंकि जीव नहीं बन सकता, जीव उस उपाधि को नहीं पा सकता। पा सकता है, लिखा है, थ्योरी है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर वही जीव जब सबसे सरल साधना नाम जप करना सबसे सरल साधना है, इससे सरल कुछ नहीं है, ये सबसे सरल साधना निरंतर करने का अभ्यास करना प्रारंभ करता है तो ब्रह्मा जी उसकी आरती उतारने लगते हैं कि मैं नहीं, मेरे से भी ऊपर चला गया अब तो ये साधक। जो महान भक्त हैं, महात्मा हैं, वो लोग जब भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि हे श्री कृष्ण, आप बुरा मत मानना पर यदि हम सत्य कहें तो आप तो आदि काल से हो, अनंत काल से हो, पर आपके होने से भी ना हमारा कभी मोह छूटा और ना हमारे पापों का नष्ट हो रहा था। किसी के पापों का नष्ट तो नहीं हो रहा भगवान के होने से, सबको अपने अपने पाप अपने अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, परंतु आपका नाम जब से लेना प्रारंभ किया है तब से ये मोह भी हमसे छूट गया और ये सारे जितने हमारे पाप कर्म थे, पाप पुण्य जितने भी कर्म थे, वो सब हमारे खत्म हो गए। तो भगवान को बोल रहे बुरा मत मानना, आपसे तो बहुत श्रेष्ठ आपका नाम है, आप थे, आप हो, आप रहोगे, पर आपके रहने से ये सब कार्य नहीं हो रहा था, पर आपके नाम जप से ये सारा कार्य शीघ्रता से और सुगमता से होने लगा। इसीलिए शिवजी भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्यों बोलते हैं वो ये? केवल नाम की महिमा का गान करते, ये नाम की महिमा का गान करते हुए वो ये बात बोल रहे हैं कि नाम ही केवल ऐसा करवा सकता है। उमा स्वभाव, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपने अनुभव से मैं ये बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो निरंतर नाम जप करते रहते हैं, निरंतर। तो निरंतर नाम जप करने से वो ये बात मान रहे हैं कि सत हरि भजन और ये जगत सब सपना, ये जगत सब ऐसे ही है। सत तो केवल हरि भजन है क्योंकि इससे जो सुख और आनंद मिलता है वो किसी में नहीं मिल रहा। हम जन्म मृत्यु के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं, केवल नाम ही है जो हमें इस चक्र से निकाल सकता है। इसीलिए हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। हरिदास ठाकुर को भगवान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ मेरे पास आके इस उद्यान में रहो, उन्होंने उनके लिए अलग से कमरा लिया ना एक उद्यान में, आप यहाँ आके रहो, मैं रोज आपके पास आके आपसे मिला करूँगा। बाकी सब भक्त जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु से मिलने जाते हैं, केवल एक हरिदास है जिनको महाप्रभु मिलने जाते हैं रोज उनके कुटिया पे। महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर रहे हैं तब तक हरिदास ठाकुर से रोज मिलने आते थे और रोज अपना महाप्रसाद गोविंद के हाथ उनके लिए भिजवाते थे। लेना नहीं पड़ता हमें महात्माओं का महाप्रसाद, लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है। श्रीमन महाप्रभु सबके बीच में बैठे प्रसाद पा रहे हैं पर अपने महाप्रसाद की थाली गोविंद को देते थे, जाओ ये हरिदास ठाकुर को दे आओ। क्यों? ये नाम जापक की महिमा है। नाम जप करने वाले के साथ भगवान इतना प्रेम करते हैं। नाम के अलावा कोई भी साधना अगर हम करते हैं तो उसमें त्रुटि होने का डर हमेशा बना रहता है और कई कई ऐसे उदाहरण भी हैं। जैसे हम राजा नृग का उदाहरण देखें,
तो कितने पुण्य किए, कितने दान किए, पर आखिरी में एक गलती की वजह से उन्हें गिरगिट बनना पड़ गया। और वहीं दूसरी जगह हम अजामिल का उदाहरण देखें तो कोई ऐसा पाप नहीं है जो अजामिल ने ना किया हो, पर अंत में केवल एक नाम लेने से उसको भगवत प्राप्ति हो गई। केवल नाम, एक नाम लिया नारायण। भगवान के सभी नाम जो हैं वो सभी बराबर हैं। ये झगड़ा ना हो हम लोगों में, कहीं लोग आप तो राम राम करते हो, नहीं नहीं ये करना चाहिए, नहीं महामंत्र करना चाहिए, नहीं आपको इससे केवल राधा बोलना चाहिए, नहीं नहीं आपको राधा कृष्ण बोलना चाहिए, ये कोई झगड़ा है ही नहीं। ये सिर्फ हमारी खराब मानसिकता है जो हम इन झगड़ों में फंसे हुए हैं। जब जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, तो माया आखिरी में उसको ऐसे झगड़ों में डाल देती है। आप केवल ये नाम ले रहे हो, आप केवल वो नाम ले रहे हो। अरे भगवान के सारे नाम संपूर्ण हैं, वो भगवान है, भगवान का प्रत्येक नाम संपूर्ण है, और प्रत्येक नाम में ये क्षमता है कि वो उसको भगवत धाम ले जाके प्रेम दिला सके, या प्रेम दिला के भगवत धाम ले जा सके। ये प्रत्येक नाम में क्षमता है, चाहे राम बोले, चाहे सीताराम बोले, चाहे राधा बोले, चाहे राधा कृष्ण बोले, चाहे हरि नाम करे, प्रत्येक नाम में ये क्षमता है। इसमें कोई झंझट नहीं है कि भैया ये वाला ले, मुरारी ले, माधव ले, मुकुंद ले, कोई भी नाम, जो भी नाम लेंगे भगवान के सारे नाम संपूर्ण हैं और प्रेम दिला सकते हैं। तो अब नारायण अजामिल ने नाम लिया तो तुरंत वहाँ पे विष्णु दूत आके प्रकट हो गए, है ना। तो अब आपको नहीं नहीं कृष्ण बोलना चाहिए, नारायण नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो नाम गुरु प्रदत्त है उसी नाम को लेना चाहिए, वो नाम बदलना नहीं चाहिए, उससे गुरु अवज्ञा हो जाती है। आप एक परिवार के सदस्य हो तो जो गुरु ने आपको नाम दिया है उसी नाम पे श्रद्धा होनी चाहिए। नाम भगवान के सारे संपूर्ण हैं तो कौन सा, बोले सबीज नाम लेना चाहिए। सबीज का मतलब जो आपको आपके गुरु से प्रदत्त है। आप जहाँ पे हो, मान लीजिए आप अभी किसी संस्था में प्रवेश किए, अभी आपकी वहाँ दीक्षा नहीं हुई पर आप संस्था में प्रवेश कर गए, आपकी उस संस्था में श्रद्धा है, आपकी उन गुरु भाइयों में श्रद्धा है, आपकी उन गुरु में श्रद्धा है, तो जो वो गुरु प्रदत्त नाम वो कर रहे हैं वही नाम हमें करना चाहिए, वही नाम, नाम बदलना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमने इधर सुना तो ये वाला करने लग गए, आज उधर सुना फिर वो वाला करने लगे, फिर राम राम सुना तो राम राम, फिर किसी ने कहा नहीं सीताराम तो सीताराम, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं राधे कृष्ण तो राधे कृष्ण, किसी ने बोला नहीं सिर्फ राधे, फिर सिर्फ राधे, फिर नहीं सिर्फ कृष्ण, ये सब नहीं, ये झंझट है। इसका मतलब आपकी अभी किसी भी नाम में श्रद्धा नहीं है, और सबसे पहले आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं है। तो ये जो श्रद्धा की अवज्ञा है, ये जो गुरु अवज्ञा है, ये जो नाम अवज्ञा है, इसके अपराध से आपका नाम अपराध बन जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए इससे बच के जो प्रदत्त नाम है, जो गुरु प्रदत्त नाम है, उस नाम पे संपूर्ण श्रद्धा रखें। जिसको भी गुरु ने जो भी नाम दिया है, अगर किसी को गुरु ने केवल राम नाम जपने को दिया है, वो राम से वही प्राप्ति कर सकता है जो आप हरि नाम महामंत्र से करोगे। किसी को गुरु ने सिर्फ राधा नाम दिया है, वो राधा नाम से वही प्राप्ति कर सकता है। किसी को केवल कृष्ण दिया है, वो कृष्ण से वही प्राप्ति कर सकता है। अजामिल को क्या बोल गए, दीक्षा देके थोड़े ना गए, केवल बोल गए अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो, ये भी नहीं बोल गए कि यार नारायण नारायण जपना। उन्होंने क्या देखा कि बड़ा आसक्त है अपने परिवार में, तो पहले बता गए आपका जो पुत्र होगा। जनरली ऐसा होता है कि छोटे पुत्र में ज़्यादा आसक्ति होती है, छोटे बच्चे में ज़्यादा आसक्ति होती है। तो अजामिल का वो पुत्र अभी होने वाला था, अभी तो उसकी पत्नी के गर्भ में ही था, तो ही उन्होंने बोला कि जब इसका जन्म हो इसका नाम नारायण रख देना। उन्होंने कहा इससे इसकी अत्यधिक आसक्ति होगी, क्योंकि ये संतान अभी होने वाली है, सबसे नवीन यही होगा, छोटा होगा, तो इसीलिए वो देख के वो बोल गया इसका नाम नारायण रखो। आखिरी में वही उसके मुँह में अजामिल ने नारायण बुलाया और विष्णु दूत आके यमदूत से लड़ने लगे, आप यहाँ नहीं आ सकते। ये पहला इंसिडेंट है हिस्ट्री का, इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि विष्णु दूत ने आके यमदूत को भगाया हो। यमदूतों को पता होता है कि ये हमारा अधिकारी है, अगर हमारा नहीं है तो यमदूत वहाँ नहीं आते, विष्णु दूत आते हैं। वैष्णवों के जिनके गले में कंठी माला है, रज लगी हो माथे पे, ऐसे या एक कोई भी चिन्ह हो, तो ऐसे वैष्णवों के लिए बोला जाता है यमदूत का वहाँ अधिकार नहीं है,
यमदूत आ ही नहीं सकते, तो इसीलिए कोई झगड़ा ही नहीं होता विष्णु दूत और यमदूत का, उन्हें पहले ही पता है भैया कंठी मालाधारी है, भैया ये तो तिलक लगाए हुए है, इस पर तो रज लगी हुई है, तो ये हमारा अधिकारी नहीं है, वहाँ जाते ही नहीं। पर अजामिल एक पहला ऐसा उदाहरण था, ना कंठी माला है ना रज है, ना जीवन में कोई ऐसे कार्य किए हैं कि भाई वैष्णवों वाले हों, एक वेश्या के साथ, वेश्यागामी उसी के साथ शादी करके दुनिया भर के सारे उल्टे काम, जुआ खेलना, ये सब करना, मार पिटाई करना, हिंसा करना, हिंसक जीवों को मार के उनको खाना, सब जितने गलत काम थे वो सब अजामिल कर रहा था, तो किसका अधिकारी हुआ? यमदूतों का अधिकारी हुआ। अब आखिरी में उसके मुख से अपने पुत्र का नाम निकल गया नारायण मरते समय, तो नारायण नाम महिमा ये है कि आखिरी में नाम निकल गया तो वो नाम से विष्णु दूत आ गए उसको लेने के लिए, और यमदूत को बोला कि बाप यहाँ से भाग जाओ, ये आपकी सत्ता के नहीं है। पहली बारी यमदूत ने विष्णु दूत के दर्शन करे, वो हैरान हो गए ऐसा कैसे कि हमारे अधिकारी पे, और ये आए कौन? जो यमदूत के अधिकारी नहीं है, जो फाइल उनके पास है ही नहीं, वो वहाँ कभी गए ही नहीं, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि कुछ अधिकारी विष्णु दूत के भी होते हैं, उन्हें तो अपनी सत्ता पता थी। तो श्रीमद् भागवतम में इस पे बड़ी अच्छी चर्चा है विष्णु दूत और यमदूत के बीच में। मैं आज जान के लेके नहीं बैठा हूँ कि अगर लेके बैठूँगा तो फिर ये रह जाएगी, आज हम ये पूरा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय आज हम पूरा करेंगे, इसीलिए मैं इस पे चर्चा अभी कर नहीं रहा हूँ, फिर आगे करूँगा क्योंकि बड़ी सुंदर चर्चा है। तो वहाँ उनको विष्णु दूत ने बोला कि सुनो यमदूतो, आज के बाद ये बात ध्यान रखना कि किसी के मुख से अगर हरि नाम निकल जाए तो तुरंत वहीं से उल्टे पांव पीछे भाग जाना, वो तुम्हारा अधिकारी नहीं है। भाई किसी ने पहले से कंठी पहन रखी हो, मरने का समय आ गया हो, विष्णु दूत को पता होता है, बुक्ड है, रिजर्वेशन है कि भैया ये इस समय मरेगा, सबकी फाइल ऊपर तो है ही ना, ये इस समय मरेगा, इस समय हमें लेने जाना है। मगर अजामिल कैसा व्यक्ति है कि एक मिनट पहले तक, एक सेकेंड पहले तक तो यमदूतों का अधिकारी था, एक सेकंड में नाम ले लिया और विष्णुदूत का अधिकारी हो गया, और विष्णुदूत ने समय नहीं लगाया, नारायण बोला विष्णुदूत वहीं खड़े हैं और यमदूत से पहले खड़े हैं, नहीं तो यमदूत ले जाते। आप नाम की महिमा समझ रहे हो, अचानक से नाम लिया और विष्णुदूत यमदूत से पहले खड़े हैं, और विष्णुदूत को बोल रहे हैं कि समझो जब कोई नाम ले लेना तो वहां मत आना। उसने बोला आप हो कौन? हमारे यमराज की तो सत्ता है, हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं लेके जाने वाला। उसने कहा पीछे चलो, और शक्तिहीन हो गए सारे यमदूत, लड़ाई नहीं कर सके, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई, यमदूत की सारी, जो यमदूत हैं उनकी सारी शक्ति बोलते किससे खत्म हो गई, जो विष्णु दूत है उनके प्रकाश से। विष्णु दूतों के भीतर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि उसके कोई लड़ाई नहीं हुई है, उनके भीतर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रकाश से ही जितने यमदूत थे वो शक्तिहीन हो गए और वापस चले गए, और वापस जाके यमराज जी से झगड़ा करने लगे, ये हो क्या रहा है? हमारी आप पे संपूर्ण श्रद्धा थी, हम सोचते थे आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, आप ही आप हो, जिसको भी लेके आना है, दंड विधान करना है, सब आप ही करोगे, आपसे धर्मराज से ऊपर कौन हो सकता है? पर आज हमने देखा कि हमारी तो कोई शक्ति ही नहीं है, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, आप सोचो केवल उनकी आभा से हम सारे शक्तिहीन हो गए। कौन शक्तिहीन? यमदूत। यमदूत को कोई शक्तिहीन कर सकता है? बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो वो भी यमदूत आ जाए तो गया, मृत्यु आ जाए तो उससे तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता। बोले उसकी आभा से हम शक्तिहीन हो गए, आज हमें पता लगा कि आपका एक छत्र राज नहीं है, आप सबसे ऊपर नहीं हो, वो यमराज जी की बेइज्जती करने लग गए, क्योंकि खुद अब बड़ा इंसल्टेड फील करके गए थे। तो वो कह रहे हम आपके हैं, और आपके होने के बावजूद हमारी ऐसी दुर्गति हुई। तो यमराज जी जो हैं वो द्वादश महाजन हैं, 12 महाजन हैं जो भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्त केवल 12 लोगों की गिनती होती है, उनमें एक यमराज है। तो यमराज क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, बोले यमराज जी की वहीं समाधि लग गई जब उन्होंने विष्णु दूत का नाम सुना। और उस समय मैं उस बात को बताने के लिए ही ये भूमिका बता रहा था आपको,
और उस समय उन्होंने यमदूतों को काफ़ी समझाया, वो चर्चा बाद में करेंगे, कि सुनो मेरे से भी ऊपर श्री हरि हैं, मैं उनका एक तुच्छ सा दास हूँ, ये बात समझो, मैं सर्वोपरि नहीं हूँ, सुप्रीम नहीं हूँ, सबसे ऊपर नहीं हूँ, सबसे ऊपर श्री हरि हैं, मैं तो उनका बहुत छोटा सा दास हूँ, ये दंड विधान करता हूँ पापी लोगों के लिए, और तुम मेरे दूत हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे कभी कहीं विष्णु दूत दिख जाए, दंडवत करके पीछे हट जाना और आ जाना, उनसे बहुत छोटे हैं हम, वो मेरे हरि के दास हैं, जैसे मैं एक दास हूँ ऐसे वो मेरे हरि के दूत हैं, और तुम तो आगे मेरे दूत हो, तो तुम्हारे ऊपर हुए वो विष्णु दूत, तो इसीलिए समझो जहाँ वो मिल जाए पीछे हो जाना, और उससे पहले वो कभी तुम्हें दिखे ना, इसके लिए ये बात ध्यान रखना कि जिसके मुख से नाम निकल जाए अंत में, जिसके मुख से नाम निकल जाए उसके समीप भी मत जाना। अगर तुमने ऐसी गलती कर दी कि नाम जापक के समीप तुम पहुंच गए, तो हरि तुमसे नहीं मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। ये कभी हरि देख नहीं सकते कि नाम जापक के पास यमदूत पहुंच गए, वो मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए यमदूतों ये बात ध्यान रखना आज के बाद, और फिर उन्होंने उनको आगे सारा समझाया, फिर वो चर्चा करेंगे। लेकिन नाम के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नाम की ये बात बताने के लिए कि अंत समय नाम निकल जाए तो यमदूतों को श्रीमद् भागवतम में दर्ज है, यमराज ने इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ नहीं जाना। इसीलिए निरंतर नाम जप करने का अभ्यास हर साधक को करना चाहिए। आपको तो नहीं पता कि किस समय कौन सा समय अंत समय होगा, हालांकि हम ये सुनते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आप ये सुन रहे हो, लेकिन भीतर एक पता नहीं कहाँ से एक मिथ्या अहंकार बैठा है कि अभी तो नहीं आ रहा समय, अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो समय है, अभी ऐसा क्या है कि मेरा अंत समय हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अंत समय मान लीजिए अगर ये बात सही भी है कि आपका अभी अंत समय नहीं आ रहा है, तो अंत समय नाम निकले इसका भी तो अभ्यास होना चाहिए। एक काम मुझे एक समय करना है तो उसका अभ्यास तो होगा, अंत समय जब आएगा तो उस समय पीड़ा तो बहुत होगी। पीड़ा किस बात की होगी कि ये देह छूट रहा है, ये सारे सगे संबंधी छूट रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम खत्म हो रहा है जो हमने बनाया है यहाँ पे। आप ये देखो, ये बड़ी विडंबना है कि हम ये सब जानते हैं मगर आज भी हम सारे कार्य सब इसीलिए कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ रहना है, कोई भी कार्य हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने यहाँ से जाना है। कोई भी जीव, अच्छे अच्छे साधकों की बात भी कर रहा हूँ, हम सब सारे कार्य कैसे कर रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो जाए आप मेहंदी लगा लोगे, क्यों, बाल काले करके यहाँ रहना है ना, सफ़ेद कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि सफ़ेद आपको क्या दिखाएगा कि आपका समय आ रहा है, अब आपका हो गया पूरा, सफ़ेद बाल यही सूचना देते हैं ना कि अब तू बूढ़ी हो गई, अब तू बूढ़ा हो गया, यही सूचना देते हैं ना, सफ़ेद बाल क्यों बुरे लगते हैं, अब हम बड़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, तो कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, क्यों, क्योंकि वो यहाँ रहना चाहता है। बूढ़े व्यक्ति का नंबर आ गया, सब जानते हैं बूढ़ा व्यक्ति नंबर आ गया, कुछ जरा सा हो जाए दांत में एकदम वैसे ही चमका के आप सारे दांत बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर लोगे, पता ना लगे दांत में कोई दिक्कत है, आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो जाए आप उसका ट्रीटमेंट कराओगे पता ना लगे, जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप उस पर एक भी झुर्री नहीं आने दोगे, क्योंकि हम सब छुपना चाहते हैं कि अभी जाने का मेरा समय नहीं है, अभी मैं सब ठीक हूँ, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम यहीं बने रहना चाहते हैं। कोई भी हमें रोग हो जाए कुछ हो जाए हम उसका इलाज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, जल्दी से ठीक होना चाहते हैं क्योंकि यहीं रहना है हमें, तो सारा कार्य हम हर क्षण हम हर कार्य बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं कि हमें यहाँ रहना है, और साधक सारे कार्य ऐसे करता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है, तो हमारी बिल्कुल उल्टी शैली है जो एक भक्त की होनी चाहिए। उससे वो गंभीर इसीलिए होते हैं, हर समय चंचल स्वभाव रहना, हर समय मजाक करते रहना, हर समय अत्यधिक बोलना, आप ऐसे किसी साधक को नहीं देखोगे, वो गंभीर होगा, वो हर समय ये सब मजाकबाजी नहीं कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि नाम छूटेगा उतने समय, और यहाँ पे मनोरंजन करने का मतलब है कि आप यहीं रहना चाहते हो,
अभी आपके भीतर गंभीरता आई नहीं। आप देखो, आप कभी 4 दिन के ट्रिप में जाते हो, जाते समय सबका बड़ा स्वभाव खुश चंचल सब होता है, सब मजाकबाजी कर रहे होते, पर जब आते हुए पैकिंग करनी होती है वहाँ से निकलने के लिए सब थोड़े गंभीर हो जाते हैं। अब वापस जा रहे हैं, उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, उतना सब इन्जॉय नहीं कर रहे होते जितना जाते समय कर रहे होते। ये बात सत्य है कि नहीं? तो इसीलिए साधक भी जो है वो गंभीर हो जाता है कि भैया यहाँ मैंने रहना ही नहीं है, यहाँ से मैंने निकलना है। उसकी जो खुशी है, ऐसा नहीं है कि वो दुखी हो जाता है, उसका जो सुख है वो सुख अनुभव उसके भीतर होता है, भीतर वो बहुत सुख अनुभव कर रहा है, पर बाहर से आपको ऐसे दिखेगा कि बिल्कुल ऐसे हो गया, गंभीर हो गया, क्योंकि अभी इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल अभी नए नए एक रिजॉर्ट में गए हो जहाँ पे आपने 6 दिन बिताने हैं, वेटर भी आ जाएगा ना, पूछोगे भैया तुम कहाँ के हो, क्या करते हो, है ना, क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए, कैसे रहते हो, कौन सी जगह, ये सब पूछोगे ना। लेकिन अंत दिन में आप अंतिम दिवस में ये सब बातें उससे भी नहीं करोगे, आपको क्या लेना देना यार हम जा रहे हैं वो जैसे भी आता हो जैसे भी करता हो जो भी करता हो। पहले दिन हम सब इंक्वायरी करेंगे ये इतने ऑफ बीट रिजॉर्ट में मैनेजर कहाँ से आता है, इनकी लाइफ कैसी है, ये है वो है। अंतिम दिवस में आपको कोई लेना देना नहीं है वो क्या करते क्या नहीं करते, आपको अपना है भैया हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमें क्या इसकी लाइफ से लेना देना। ये परिवर्तन हमारे भीतर 4-5 दिन में ही आ जाता है। 4-5 दिन पहले हम जितना इंक्विजिटिव होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, उस जगह के बारे में जानने के लिए, 5 दिन बाद हमें कोई मतलब नहीं है। 5 दिन बाद हमें ये पता करना है हमारी ट्रेन का समय क्या है, वो ना निकल जाए, यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जीवन है। अभी हम लगे हुए हैं यहाँ सब देखने में, ये सब करने में, सब इंक्वायरी करने में, ये कहाँ है वो कहाँ है, वहाँ जगह कैसी है, ये कैसा है वो कैसा है, अभी तो मुझे यहाँ रहना है, अभी तो ये गाड़ियाँ खरीदनी हैं, अभी तो ये सब करना है, अभी तो पूरी नगरी बसानी है मैंने, ये सब करना है। पर जो व्यक्ति जो साधक जाने को है वो समेटेगा, ये सब क्या करना, जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करो बस खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और अपना भजन करते रहे। असल में तो जो साधक है वो बोलते हैं वो खाने पीने की व्यवस्था को भी छोड़ के केवल भगवत आश्रित हो जाते, पर आजकल का समय ऐसा है कि कई संत महात्मा भी बोलते हैं कि ठीक है अपने ऐसी व्यवस्था कर लो, जो गृहस्थ में हैं और साधना करना चाहते हैं ऐसी व्यवस्था कर लो कि आपके खाने पीने की व्यवस्था जब आप साधना कर रहे हो तो हो जाए, ऐसा कर लो। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फिर हम नहीं कर पाए और थोड़े भी आश्रय में कमी आई तो फिर ऐसे रह जाएंगे ना यहाँ के ना वहाँ के, और हमारी भक्ति में अश्रद्धा हो जाएगी। तो भक्ति में अश्रद्धा ना हो इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। शुरू से जो भिक्षा प्रवृत्ति से रहा है ना वो तो रह लेगा अंत तक, पर जो अपने जीवन के 50 साल नहीं रहा है अब उसको बोले भिक्षा प्रवृत्ति से रहो, हो सकता है उसके लिए इतना कठिन हो जाए कि उसका भजन ही छूट जाए। तो इसीलिए जो गृहस्थ हैं उनको ऐसा आदेश है कि आप ऐसी व्यवस्था करो अब तो कि अपना खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और हम आराम से भजन में संलग्न हो सके। ऐसा व्यक्ति फिर चंचल स्वभाव का नहीं होएगा, वो स्वाभाविकता थोड़ा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अब अंदर बार बार समझ में आ रही है कि निकलना है अब यहाँ से। और अगर ये देखने के बाद भी, ये सब हम सुनने के बाद भी हमारे भीतर अभी चंचलता बनी हुई है, अभी तो और नया चैप्टर शुरू करने के उसमें हैं हम, अभी और कुछ करें, अभी तो और बड़ा कुछ है लाइफ में, कैसे इंजॉय कर सकते हैं उसके माध्यम ढूंढे, और अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, ये सब हम साधन ढूंढे, तो फिर अभी आप साधक नहीं हो, अभी आपकी साधना प्रारंभ नहीं हुई, अभी आप समझे नहीं कि ये साइंस है क्या, और ये कौन सी साइंस है, बोले ये बेसिक साइंस है, ये साधना, ये भजन की बेसिक साइंस है, ये इस जगत की बेसिक साइंस है। अगर आप ये नहीं समझे, अगर आप यहीं पे अभी रहना चाहते हो तो फिर ये इतनी साधना क्यों कर रहे हैं हम, ये इतनी साधना क्यों, हम इतना श्रम कर रहे हैं, आप बात समझ रहे हो, हम सब उल्टा चल रहे हैं, कर तो सब कुछ रहे हैं, गाड़ी में रेस भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी भरवा लिया, लोग भी बैठ गए, बाहर से भी सजा ली अच्छे खासी, हमने बढ़िया महंगी गाड़ी भी ले ली, मगर गियर रिवर्स ही डाला हुआ है, गियर नहीं बदल रहे,
और रेस पे रेस दिए जा रहे चलाए जा रहे, गाड़ी गाड़ी का जा रही, गाड़ी पीछे ही जा रही है, आगे नहीं जा रही है। क्योंकि जो मेन बात समझने की थी वो हम नहीं समझ रहे कि हमें ये सारी तैयारी यहां से निकलने के लिए करनी है। मान लीजिए अगर कोई अभी भगवत प्राप्ति की उसके भीतर बड़ी लालसा नहीं आई है, हम सुन तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, मगर अभी कथा के बाद देखना, इस समय तो सा होगी सबके भीतर लालसा भगवत प्राप्ति की, कल देखना। अगर कल हमारे भीतर उतनी लालसा नहीं है भगवत प्राप्ति की, तो भी हमारे भीतर ये तो है ना कि हम ये इस जगत के जितने दुख हैं उनसे पार पाना चाहते हैं। हम भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते तो भी यहाँ के दुखों का नाश तो करना चाहते हैं, ये तो हम चाहते हैं कि ये सारे दुख खत्म हो जाएं, ये सारे रोग खत्म हो जाएं, ये तो हम चाहते हैं। तो ये सारे करने के लिए भी कि हमारे अंदर कोई विकार ना रहे, हमारे भीतर कोई रोग ना रहे, हमारे भीतर किसी बात का शोक ना रहे, बोले ये सब करने के लिए भी आपको नाम जप ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ी साधना इसके लिए भी नाम जप ही है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंतिम श्लोक है शायद ये श्रीमद् भागवतम का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरि प्रमो। मैं ऐसे हरि को प्रणाम करता हूँ जिनके केवल नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। मुझे आनंद कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे रोग कब खत्म होंगे, जब मेरे सारे जितने पाप हैं उनका नाश हो जाएगा। ये बात तो हम मानते हैं और जानते हैं ना कि जितने भी कर्म मैं भोग रहा हूँ ये मेरे ही पाप और पुण्य हैं, मेरे द्वारा ही किए गए पाप और पुण्य हैं जो आज मैं भुगत रहा हूँ, ये तो आप सब मानते हैं ना। तो सारे पापों का नाश करना है अगर आपको, तो उसके लिए भी सबसे सरल माध्यम क्या है, नाम। श्री हरि नाम जप से ही ये सारे पाप। तो मान लीजिए अगर आपके भीतर अभी ऐसी आग नहीं लगी है भगवत प्राप्ति की, तो भी दुख निवारण के लिए भी नाम ही करना होगा, विकार और रोग भगाने के लिए भी नाम ही करना होगा। ये नाम जो है ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला भी नाम ही है, वैरागियों के भीतर विराग उत्पन्न करने वाला भी नाम ही है, और शोक और रोग इनका नाश करने वाला भी राग ही है, ये नाम ही है। केवल नाम से ही ये सब हो सकता है, नाम से ही ये सब संभव है। ये संसार तो हम सुन चुके बहुत बार कि दुखालयम है, दुखालयम है, भगवत गीता में लिखा है, हम लोग कितनी बार पहले पढ़ चुके हैं, जब कोई दुख आता है तो हम बोलते हैं लिखा ही है भगवान ने ये संसार दुखालयम है। ज्यादातर ये समझाने के काम आता है, समझने के बहुत काम आता है, समझाने के ज्यादा आता है किसी को, भैया दुखालयम है, क्या दुखी हो रहा है, ये संसार है ही दुखालयम, लिखा ही है। तो ये जो दुखालयम है ये कितनी बार हमने सुन लिया, पढ़ लिया, पर रियलाइज नहीं हुआ अभी तक। रियलाइज कहाँ हुआ है कि ये दुखालयम है? अगर रियलाइज हुआ होता तो हम यहाँ सुख थोड़ी ढूंढ रहे होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, हृदय से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज भी तो हम इस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं, इतनी बात सुनने के बाद, बोलने के बाद भी तो हम इस संसार में ही ढूंढ रहे हैं कि संसार में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। अगर मान जाए कि ये संसार तो दुखालयम ही है, सुख तो हरि आपके चरणों में है, तो केवल भजन ही करेंगे, है ना। लेकिन हम अपने जीवन, अपने दिनचर्या का छोटा सा समय भजन को देके बाकी सारा इस जगत में सुख ढूंढने में लगाते हैं। हर समय भजन करता रहूंगा तो फिर कैसे सुखी रहूंगा, कैसे सब कुछ और करूंगा, क्या करूंगा, फिर क्या रह जाएगा जीवन में। तो इसका मतलब मानते हैं ना कि ये करने के बाद फिर सुख यही ढूंढना है हमें, ये गलती कर रहे हैं हम। ये दुखालयम है, हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं फिर उल्टा चल रहे हैं। जो हम साधन कर रहे हैं वो साधन सारा हमारा उल्टा पड़ रहा है। साधन तो कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा चाह रहे हैं, भगवान से दुखालयम में दुखी मांग रहे हैं। देखो यहाँ सुख तो है नहीं, तो संसार की कोई भी वस्तु मांगोगे तो क्या मांगोगे, दुख मांगोगे, क्योंकि दुखालयम है।
लाइब्रेरी में जाके आप कुछ भी मांगोगे तो किताब ही मांगोगे ना, है ना। आप कोई भी नाम लोगे तो वो उस नाम की किताब दे देंगे आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी सुख का नाम लोगे तो उसमें दुख की किताब ही मिलेगी आपको। इससे अब तू ऐसे दुखी होगा, अब इससे तू ऐसे दुखी होगा। तो ये दुखालय में हम जितनी भी इच्छा कर रहे हैं अल्टीमेटली हम दुखी मांग रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे सुखी हो जाएंगे। वो कोई हो नहीं पाया, कोई नहीं हो पाया यहाँ पे। छह चीजें हैं जिन पे नाम जापक जो है वो विजय पा लेता है। वो है भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु। अगर हम इन सब से विजय पाना चाहते हैं इन सब पे, तो नाम जप ही करना होगा। बोले सुगमता से, सरलता से नाम जापक जो है वो इन छह पे विजय पा लेता है। भूख से कोई परेशानी नहीं है उसे, प्यास से कोई दिक्कत नहीं है, इन सब से वो ऊपर उठ गया भूख और प्यास से। आप कहोगे भूख और प्यास, चलो सुना है, छोटी बात लगती है, ऐसे कर लेते हैं लोग भूख प्यास से। शोक और मोह से भी ऊपर उठ गया है। अब ना मोह उसे आकर्षित कर रहा है, ना शोक उसे दुखी कर पा रहा है, कोई भी इस जगत का। ऐसा बनना चाहते हो कि नहीं, कि कोई भी इस जगत का दुख मुझे दुखी ना कर पाए, कोई भी इस जगत का सुख मुझे आकर्षित ना कर पाए। आगे इसमें क्या दिक्कत है सुख में आकर्षित होने? दिक्कत ये है कि जब हम आकर्षित हों और वो सुख हमें ना मिले तो वो आकर्षण भी दुखी देगा। वो सुख जैसा मैं चाहता हूँ, आप एक फूल ले लो, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है, ये बड़ी अच्छी खुशबू है, आपकी इच्छा हुई कि ये मुझे मिल जाए सूंघने के लिए। अगर मिल भी जाएगा आपको, मैं दे भी दूंगा, ये लो आप इसको सूंघ लो, तो भी इसी पुष्प में से एक मिनट के बाद आपको खुशबू नहीं आएगी। फिर आप किसी और को दोगे, उसको आ जाएगी, आपको नहीं आएगी। ये बात मानते हो कि नहीं? इसी एक पुष्प में से आप 100 लोगों को दो, 100 लोगों को खुशबू आ जाएगी, मगर जिसको दोगे उसको एक मिनट के बाद नहीं आएगी, क्योंकि वो इसका आदि हो गया। अब ये तो वो ले ही रहा है, अब इस जगत में अब इससे खुशबू नहीं आ, अब कुछ और चाहिए, मगर जिसको ये नहीं मिला है उसको अभी भी इसमें से खुशबू आ जाएगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख लो, एक्सपेरिमेंट है। वही फूल में से दूसरा व्यक्ति खुशबू ले रहा है तो मतलब खुशबू तो है ना, लेकिन आपको नहीं आएगी। ये ऐसे दुखी करता है यहाँ के मोह का आकर्षण। जो आप चाहते हो वो आपको मिल भी गया तो भी आप उससे आनंदित नहीं रह पाओगे ज्यादा देर के लिए। हमने बहुत इच्छा करी कि बस एक बार मुझे ये गाड़ी मिल जाए, एक बार मुझे ऐसा घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जिस दिन वो मिल जाएगा उसके कुछ एक दो महीने के बाद आप कहोगे इसके लिए इतना कर रहे थे, क्या हुआ है, नॉर्मल लगता है। बाहर वाला व्यक्ति आके आपको बोलेगा इतने अच्छे घर में तू रह रहा है, इतना बढ़िया घर में रह रहा है तू, और वो ऐसे होगा कि यार उसकी ये बात एक मिनट के लिए सुख दे देगी कि अच्छा इतना अच्छा घर लग रहा है। मेरा तो वही डेली रूटीन है, तो जिसका जो डेली रूटीन है उसके लिए वही घर है। वो सोच यही रहा होता है कि ये नहीं, ये कर लें, अब यहाँ ये कर लें, अब वो कर लें। आप कहोगे ये बड़ा अच्छा है, मैं कहूँगा यार ये तो पेंट उखड़ रहा है, ये सही नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ, वो देखता रहे। कोई भी कहीं पे भी सुखी नहीं है। मैं एक भक्त को अभी 2 दिन पहले बता रहा था कि अगर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं बेसिक, तो आपसे लेके अंबानी तक आप सेम ही हो। ऐसा मत सोचना कि किसी साधन से उसको ज़्यादा सुख मिल रहा है। वो एंटीलिया में रह के भी उसके लिए ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये साधारण है, उसके लिए वो साधारण है। आप इसके आदि हो चुके हो, वो उसका आदि हो चुका है, इसीलिए वो भी दूसरे शहरों में दूसरी जगहों पे जाके घर बना रहा है। नहीं तो क्या जरूरत है उसको कहीं और जाके घर बनाने की। आप कहोगे अगर मुझे जीवन में ऐसा घर मिल जाए मुझे उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं, पर जिसको मिल गया वो ऐसा हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही खुशबू है क्योंकि वही फूल है, अभी आपके पास नहीं है, आपके पास आएगा, आपको शुरू शुरू में से खुशबू आएगी, फिर आप भी ऐसे हो जाओगे। ऐसे तंग करता है इस जगत का मोह। वो आकर्षण बनाए रखेगा, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा तो आपको लगेगा इसमें तो आकर्षण है ही नहीं। समझ गए? तो इसीलिए जो भक्त है वो शोक से और मोह से, इन दोनों से भी ऊपर हो जाता है, इन दोनों पे विजय पा लेता है। और फिर उसके बाद बुढ़ापा और मृत्यु,
ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति को सताती हैं और सताएंगी। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, हो जाए तो मानना नहीं चाहता, छुपाना चाहता है अपने आप से भी, सबसे भी, नहीं नहीं अभी कहाँ बूढ़ा। जब हम 20 साल के थे, 16 17 साल के थे, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, तो 40 साल के लोगों को हम बोलते थे बुढ़ा हो गया 40 साल का। अभी मैं 40 साल का हूँ तो ऐसा लगता है 40 के बुढ़े थोड़ी होते हैं, 60 70 के बुढ़े होते हैं। 60 साल वाला सोचता है मैं बुढ़ा थोड़ी हूँ, 80 90 वाले बुढ़े होते हैं। 80 90 वाला एक आदमी है, हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे मत सोचना कि कथा में बस ये बात है, ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने ये बताई भी हुई है इनको, ये बात पहले भी बताई हुई है। वो 90 साल के हैं, वो मेरे से बात करने आए तो मुझे कह रहे हैं मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझना। वो 90 साल के हो गए भी मुझे अपना बड़ा भाई बता पा रहे हैं, ये भी नहीं बोल पा रहे अपने पिता की तरह समझना। बड़े अजब की है मेरे दादा की उम्र के, मगर कह रहे अपने बड़े, आपके बड़े भाई की तरह आपको एक राय दे रहा हूँ। यहां से देख लो, 90 साल वाला तक भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहता है, जवानी जाई नहीं, नहीं मानना नहीं चाहता ना कोई भी कि मैं बूढ़ा, क्योंकि बूढ़ा होते ही मृत्यु का डर सताएगा। तो आजकल बोलते भी है ना, हाँ। फील नहीं होता क्योंकि मन वही है ना, मन वही है। तो होता है जैसे मतलब हम अपने अंदर डिफरेंस देखते हैं, अब वो जोश नहीं है, वो यूथ वाला एनर्जी नहीं है, वो कमी आ गई, तो पर उम्र का फर्क भी 50 साल का है। तो खैर कहने का तात्पर्य ये है कि मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम जब 16 17 साल के थे तो मुझे अच्छे से याद है कि हम 40 45 साल के व्यक्ति को बोलते थे बूढ़ा हो गया। अभी 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 ये कल परसों बात कर रहे थे तो कह रहे थे, ये कह रही थी कि ये धोनी का आखिरी मैच है, अब तो धोनी तो बूढ़ा हो गया। मैंने कहा बेटा धोनी मेरे से एक साल छोटा है। तो हम लोग ऐसे हम बोलते हैं दूसरे को, तो जब हम नहीं इस अवस्था में थे तो हम 40 साल के व्यक्ति को बूढ़ा बोलते थे। अभी 40 साल व्यक्ति वाला बोलता है कि 40 इज स्टिल नॉटी, आजकल ये चल रहे हैं, यही चलन है। तो 40 तो बोलते हैं अब तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, अभी तक तो आपने सारा जीवन अपना कमाने वमाने में, सेटल होने में, ये सब करने में लगा दिया, अब आपका टाइम आया है। और 60 साल वाला व्यक्ति सोचता है कि अभी तो मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियां थी 60-65 तक, अब बच्चे बच्चों की शादी हो गई, अब मेरा समय आया है। तो किसी का कोई समय ना आया है, ना आएगा, ये माया है। और हम बुढ़ापे से डरते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, इसीलिए हम सब ये सब बातें समझाते हैं, समझते हैं। 40 वाला दूसरे 40 को समझाता है ये सब, अभी बूढ़े नहीं हुए। 17 साल वाला अपने बच्चों से कहा है बुढ़े हैं मेरे माँ बाप पागल। तो इसीलिए ना इन इन बातों को समझो कि जो नाम जापक है वो इन पे विजय पा चुका है, उसको अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसने अपना सारा जीवन यही सोच के जिया है कि ये नहीं है, जहां मुझे जाना है ना, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। जब जहां जाना है उसकी तैयारी कर रहा हूं ना, तो ये कब छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं है फिर उसे। बड़ा सिंपल लॉजिक है ना, क्योंकि वो छोड़ने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। वो सारी साध हमारी सारी साधना यहां टिके रहने के लिए हो रही है कि यहां टिका रहूं, और उसकी सारी साधना किस लिए हो रही है? यहां से निकलने के लिए। तो निकलने का समय आ गया तो उसको क्या दिक्कत है? मान लीजिए आपको अपना घर बदलना है, आप सारी पैकिंग करके सब पैकिंग करके बैठे हो, तो अब आप क्या चाहोगे कि एक हफ्ते बाद हो, या अभी चाहोगे कि कल हो जाए? कल हो जाए, क्योंकि मैं सारा पैक करके बैठी हूँ ना, अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, सारे सारे डब्बे बना दिए, पैक कर दिया, सब ऐसे एकदम सब आपने कार्टून में बंद करके रख दिया अपना सारा सामान। अब आप वेट करोगे कि जल्दी से आए और फटाफट हम उधर शिफ्ट करें, है ना? ये नाम जापक है, ऐसा नाम जापक है। वो सारी साधना सारा हर समय इसीलिए कर रहा है, अब निरंतर नाम जप का अभ्यास हो गया। अब वो कहते हैं कभी भी मृत्यु आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निरंतर नाम जप चल रहा है, जब मर्जी मृत्यु हो जाए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे पता है भगवत धाम ही जाना है, क्योंकि अभ्यास हो गया अब तो नाम जप का। इसीलिए मैं बोलता हूँ और कुछ ना करो, अभी बहुत जल्दी ये सब बातें समझ में ना आपकी आएंगी ना मेरी आएंगी, सुन भर रहे हैं हम लोग, मैं भी बोल रहा हूँ,
अगर नहीं भी समझ में आ रही ना, एक काम करो, हर समय नाम करने का अभ्यास कर लो। तो ये जितनी बातें आपने सुनी और मैंने कही, ये सारी बातें नाम रियलाइज करा देगा, आप अपने अभ्यास से नहीं कर पाओगे। तो आपको अभ्यास किस बात का करना है? आपको अभ्यास करना है निरंतर नाम जप करने का। रात को लेट गए ना, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक मन में हरि नाम चलता रहे, इतना अभ्यास करो। सुबह जैसे ही उठ गए तो उठते ही हरि नाम करना का अभ्यास करो। अब उठ गए तो जब तक अभी कुछ नहीं कर रहे तो तब तक मन में नाम चलता रहे। आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप पॉटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप नाम आपका चलता जा रहा है। अब जो भी आपकी डेली की दिनचर्या है, मैं आपके सरल शब्दों में इसीलिए बोल रहा हूँ, मल त्याग नहीं बोल रहा हूँ। तो आप कहोगे जो मल त्याग करता होगा वो करता होगा, हम तो पॉटी कर रहे हैं। जो वर्ड्स आप यूज करते ना, जो आप कर रहे, जान के इसी में बोल रहा हूँ कि ये जो भी करने बैठे हो आप, वो सब करते हुए नाम करते रहो। ब्रश कर रहे हो, नाम करते रहो, नहा रहे हो, नाम करते रहो। जब सो गए, लेट गए, तो लेटते हुए नाम करना अभ्यास कर दिया। कब नींद आ जाएगी, आधे घंटे में आए, एक घंटे में आए, 15 मिनट में आए, 5 सेकंड में आ जाए, उस समय हमारा नाम चलता रहे। ये अभ्यास बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा और ये अभ्यास सरलता से हो जाएगा। और जब ये अभ्यास हो जाएगा तो धीरे 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 जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ और जो बातें आपने सुनी हैं, वो बातें आपको रियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। करने से नहीं होगा। आप बोलो बिना नाम के मैं ये सब चीज़ें रियलाइज कर जाऊँ, नहीं कर पाओगे। करनी होती अभी तक कर गए होते, क्या कमी रह गई आपकी साधना में जो ये बात नहीं रियलाइज हो रही? कर गए होते अभी तक आप भी और मैं भी अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि नाम यही अभ्यास करो। क्या करें कि भैया और कुछ नहीं तो रात को जब खाली है ये नाम जब शुरू कर दिया, सुबह जब उठे हैं जब तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तब तक अपना नाम जब करते रहे, कीर्तन भी सुन सकते हैं। फिर धीरे 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 कोशिश यही करो कि नाम जप करते रहो, कोशिश यही करो। बाहर से छोड़ दो, अभी बाहर के साधन से तो देखो कर ही रहे हैं, तो फिर भी वो अभ्यास नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि मुझे अभ्यास बिठाना है। हर समय मेरे पास कीर्तन नहीं होगा, जब नहीं होगा फिर ये अभ्यास काम आएगा नाम जप करने का। अगर आपको अभ्यास कीर्तन सुनने का है तो फिर जहाँ ऑफिस में बैठे वहाँ कीर्तन नहीं सुन पा रहे तो नाम नहीं चलेगा। लेकिन रात और सुबह का अगर मान लो 4-5 घंटे का भी अभ्यास हो गया अभी शुरुआत में, तो फिर दिन में अपने आप जब आप खाली हो गए आपका नाम चलने लगेगा। तो इसलिए निर्भरता किसी पे भी ना हो, बाहर के कीर्तन पे भी नहीं। ऐसा हो जाए कि बाहर कुछ भी चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, मेरा अभ्यास है कि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय स्वाभाविकता मेरे अंदर से नाम चले जा रहा है ना। ऐसा मेरा अभ्यास करने का प्रयास करें। और केवल इस अभ्यास से अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं वो सारी बातें आपकी हो जाएंगी। उसके लिए अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। सारी बातें अब दोबारा आप सुनना, जब आप ये कथा दोबारा सुनोगे सुनना, मैंने हर बात पे क्या बोला है, नाम जापक ऐसा कर लेता है, नाम जापक के साथ ऐसा हो जाता है, नाम जापक के साथ ऐसा। तो किसके साथ हो जाता है? नाम जापक के साथ। आपको क्या बनना है? नाम जापक। ये नहीं करना मैं शोक से कैसे ऊपर आ जाऊँ, मैं बुढ़ापे से कैसे ऊपर आ जाऊँ, मृत्यु को मैं कैसे जीत लूँ, आप इंद्रजीत नहीं हो, नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजिकली नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मेरे शब्द दोबारा सुनना, नाम जापक इन पे विजय पा लेता है, पाई नहीं है, समझ गए? उसने कुछ लड़ाई नहीं करी है इससे विजय पाने के लिए, उसने बस नाम जप ही किया है। नाम जापक सुगमता से इस पे विजय पा लेता है। नाम जापक की ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं, नाम जापक के पाप कांपने लगते हैं, नाम जापक का चित्रगुप्त सारा कुछ नष्ट कर देता है। तो आपने क्या करना है, बनना है नाम जापक, बस मुझे नाम करना है, और कुछ लड़ाई नहीं लड़नी मुझे, ना जाके मुझे यमदूतों से लड़ना है, ना मुझे चित्रगुप्त की साधना करनी है, ना मुझे यमराज का ध्यान करना है, ना मुझे देखना है कि शोक कैसे खत्म होगा, बुढ़ापा कैसे जाएगा, अब क्या बाल सफ़ेद करूँ तो ऐसा हो लगेगा कि मैंने बुढ़ापे में विजय पा ली, कुछ नहीं करना। आपने जो कर रहे हो करते रहो, जितना रंगीन कर सकते हो कर लो बालों में, लेकिन नाम जापक रख रहा, बाकी सब नाम कराएगा, आपने कुछ नहीं करना। स्वतः लिखा है आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, उसमें डर लगेगा आपको, अब यार ये भी ना करूं, अब ऐसे भी ना करूं, अब वैसे भी ना करूं, और होगा भी नहीं, क्योंकि जब जो डर गया वो मर गया। जब आप डर जाओगे तो वो कार्य आप नहीं कर पाओगे,
जिस जिस चीज से आप डरोगे, आप बाहर से जितना मर्जी देखो नहीं अब मैं नहीं डरता, नहीं अब मैं नहीं डरता, भीतर से आप डर रहे हो, और जब तक डर रहे हो तब तक आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वैराग्य लाने का कभी कार्य होएगा ही नहीं, समझो इस बात को। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं सोच के अपने भीतर वैराग्य ले आऊं, नहीं होगा। तो वैराग्य भी नाम जापक के भीतर आ जाता है, वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, समझ गए। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि आप पिंक कलर की किटी वाला ऐसा वो बैंड पहन के आ जाओ, आप कहोगे मेरी उम्र है यार ये पहनने की, मैं नहीं पहन सकती है, है ना, है कि नहीं। मैं कहूँ वो जो 6 साल की लड़की पहनती है वो वाला बैंड पहन के क्यों नहीं आते माता जी, वो पहनाओ, आप कहोगे ये नहीं कर सकती मैं प्लीज। क्यों? आपके अंदर इतना वैराग्य स्वतः आ गया कि यार अब मैं इतनी वो नहीं कर सकती, इतना रेड इतना पिंक इतना बो लगा के मैं नहीं घूम सकती, ये आपके अंदर स्वतः आ गया ना। आप लाए तो नहीं हो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं ये सब ना पहनूँ, ऐसा तो नहीं सोचा ना, स्वतः आपके अंदर आया। तो ऐसे ही ये स्वतः आपके अंदर जो वैराग्य आएगा ना वो नाम जप से ही आएगा, और वही उत्तम है। उसके अलावा आप मेरे कहने पे मैं खुद भी बोलूँ मैं खुद भी नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं बोल भी नहीं रहा। हम बहुत प्रयास कर लें अपने भीतर वैराग्य लाने, वैराग्य कोई वैराग्य नहीं आने वाला है, ऐसे आया ही नहीं है किसी के अंदर। नाम जापक के भीतर ये वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। अभी हमने क्या बोला, मोह किसी का नहीं छूटता, नाम जापक के भीतर मोह छूट जाता है, समझ गए। तो मेरा अभ्यास मेरा प्रयास केवल नाम जप करने का है, बस इतना तो कर सकते हैं ना, ये इजी है। अभी तक जो बहुत मुश्किल लग रहा था अब तो कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे निरंतर नाम जप करने का प्रयास करना है, बस। बाकी जो हो रहा है होने दो, बाकी सब नाम देखेगा। अगर नाम की इतनी महिमा है तो फिर नाम देख लेगा ना, फिर नाम पे छोड़ दे, फिर नाम देखेगा। जी तो बाबा ने ऐसे बताया ना कि जैसे जब आग लगाते हैं खाना बनाने के लिए, हाँ, तो प्रकाश भी हो जाता है, अंधेरा भी खत्म हो जाता है, भय भी खत्म हो जाता है, और सर्दी भी खत्म हो जाती है। तो वो उन्होंने बोला ये तीनों तो अनुषांगिक है, एक आग मेन तो खाना बन रहा है, और तीन चीजें अनुषांगिक है कि अंधेरे से आपका भय खत्म हो गया और आपको गर्मी भी मिलने लग गई और लाइट भी हो गई, तो ये अनुषांगिक कार्य है। तो ऐसे ही आप नाम जप करो, बाकी सब विजय पाना ये सब करना सब अनुषांगिक है, वो सब आपका हो जाएगा। 5 इंद्रियों पे और मन पे नियंत्रण पा लेता है नाम जापक। अब मैं अपने मन पे कितना नियंत्रण पाने की कोशिश करूं, नहीं कर पाऊंगा, नाम जप करूं हो जाएगा मन पे नियंत्रण। अभ्यास हमारा रहना चाहिए मन के विषय में कि हम उसको ज़्यादा छूट ना दें, जो हम आज कल चर्चा कर भी रहे हैं इस बारे में, उसको ज़्यादा छूट ना दें। पर एक हद के बाद जो बिल्कुल नियंत्रण, मतलब बिल्कुल मेरे नियंत्रण में आ जाए, वो नाम से हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत छूट ना दें, इसको बहुत बेकाबू ना होने दें, बस बाकी सब आगे नाम कर लेगा। क्योंकि मन, देखो मन तो आपको बहुत आगे तक गिराने का प्रयास करता रहेगा, ये सब शास्त्रों में वर्णित है कि मन जो है वो बहुत समय तक, कई जगह तो ऐसे लिखे हैं कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक मन तो तंग करता ही रहेगा, उसमें लहरें आती रहेंगी, चलता ही रहेगा, वो ये सब करता रहेगा, अलग अलग तरीकों से हमें डराएगा भी और आकर्षित भी करेगा इस जगत में। तो लेकिन जो नाम जप कर रहा है उसको नाम जप की महिमा ही ऐसी है, नाम की महिमा ऐसी है कि वो अपने मन पे स्वतः उसका नियंत्रण बन जाएगा, वो फैलने ही नहीं देगा उस नाम को। अभी हम क्यों रोक नहीं पाते अपने मन को, क्योंकि हम नाम जप भी कहाँ कर रहे हैं, हम दिन के किसी कॉर्नर के लिए नाम रखते हैं। जो सुबह कर लेता है वो भी ये सोचता है कि फटाफट सुबह कर लो, फिर मेरे पास पूरा दिन टाइम नहीं है। जिसकी रात तक लटकती है वो सुबह नहीं करता, वो रात को कोने में आके करता है कि चलो अब कर लो, दिन खत्म होने वाला है। तो दोनों में ना एक दृष्टि के बाद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, एक ने सुबह सुबह एक कोने में ख़त्म कर ली, एक ने रात को जाके कोने में ख़त्म करी। पर नाम जापक निरंतर सुबह से लेकर शाम तक नाम जप कर रहा है, समझ गए। क्योंकि सबसे सरल उपाय और कोई है ही नहीं, नाम जप है। आप कहीं भी बैठे हो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो नहीं कह रहे कि सोने वक्त आपके हाथ में माला होनी चाहिए,
उठ के टॉयलेट भी जाओ तो भी आपके हाथ पे काउंटर होना चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको मन बोलना भी नहीं है, मन के अंदर आपके नाम चलता रहे। इससे सरलतम कोई साधना हो सकती है? इससे सुगम कोई पाथ हो सकता है? कोई नहीं, सबसे सरल है। बाकी जो भी आपकी ए टू जेड जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपको केवल ये अभ्यास करना है। वरना हम जितने पाप करते हैं जो हमसे हमारे मन करवाता है उसके अलग अलग प्रायश्चित भी शास्त्रों में बताए गए हैं, पर उन सारे प्रायश्चितों से भी पाप का फल नष्ट हो सकता है लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। तो नाम जप करने से ही पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन उत्तेजित ही नहीं होगा और पाप करने के लिए। ये किससे होगा? नाम करते 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 हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उस हृदय में आएगा ही नहीं कि मैं ये पाप करूँ, उसके भीतर ही आएगा ही नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने भी बोला, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापिता नियमिता स्मरणे न कालहा। इसके लिए कोई काल की जरूरत नहीं है, कोई समय की जरूरत नहीं है इसका स्मरण करने के लिए, समझ गए? स्मरणे न कालहा, कोई समय निर्धारित नहीं है कि इस समय करना चाहिए। और नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापिता स्त्र अर्पिता, अर्पित कर दी है भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में। और कौन से नाम में? नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम भगवान के हैं और सारे भगवान के नामों में निज सर्व शक्ति अर्पिता, समझ गए? अपनी निज सर्व शक्ति, अपनी निज शक्ति नहीं बोला, निज सर्व शक्ति, मेरी सारी शक्तियां जो हैं वो मैंने किस में डाल दी हैं? नाम में। कौन से नाम में? नाम नाम अकारी बहुधा, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। कोई भी नाम ले लो, जो जिसका गुरु प्रदत्त नाम है वो लेना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी कहीं पे भी सुन रहा हो, कोई संप्रदाय की किसी उसकी किसी उसमें कोई कमती नहीं है। जो उसके गुरु से हरि नाम मिला है उस नाम में ही नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति अर्पिता नियमितः, कोई नियम नहीं है इसका, स्मरणे ना कालहा, कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप कहो मैं शौच जाई हूं, आई हूं, अब कर सकती हूं, कर सकते हो, मैं अभी नहाई नहीं हूं, शौच में बैठी हूं तब भी कर सकती हूं, समझ गए? कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, हर समय करना चाहिए। एता दृशी तव कृपा भगवन मापी, ये सारी भगवान की कृपा देख के भी दुर्देव मी दृशी मिहा जानी, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली जीव हूं कि मेरा ना अनुराग, मेरा इसमें अभी भी अनुराग नहीं हो रहा है। दृश्य मिहा जानी ना अनुराग, ये सब जानते हुए भी मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली जीव हूं कि मेरा नाम में अनुराग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग हरिदास ठाकुर के माध्यम से इस नाम की महिमा की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा, अब बताओ इसने सब सुनने के बाद कौन सी चीज रह गई है जो आपको मुझे ये चाहिए, ये नाम से नहीं मिलेगी। कोई ऐसी वस्तु है? कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो नाम ना दे सके। और इतना सब सुनने के बाद भी मेरा अनुराग नहीं है नाम से, इसको श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं ये मेरा दुर्भाग्य है अगर ऐसा सुनने के बाद भी मेरी नहीं है। तो इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रमाशनम, कुछ नहीं करना हमें, केवल नाम करना है, केवल नाम, और कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब साथ साथ हो ही रही है। आपको अच्छा फिर मैं आपकी कथा में आना बंद कर दूं, नाम करती रहूंगी, अरे कथा से तो आप सुन रहे हो ना नाम की महिमा, इसीलिए आ रहे हैं, है ना, यहीं से सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसीलिए कथा सुन रहे हैं। तो नाम करते 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 ये सब करते हुए जितने भी चीजें जितने भी गुण हमें चाहिए भगवत प्राप्ति के वो सारे हमारे भीतर आ जाएंगे। आज समय हो गया, आगे फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, अगली बारी केवल चैतन्य चरितामृत पर चर्चा करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। जय राधे।